सम्राट चौधरी जी को तो धन मनाना चाहिए, उमेश कुशवाहा को धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे चलते ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जो सभी लोग तो हमारे ही यहाँ से ही ना ट्रेनिंग लेके गए, हमारी ही पार्टी से, समझे, तो जो यहाँ से जब गए हैं तो लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग नोटिस ले रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बर्णवाल। मुख्यमंत्री के लगातार दौरे से बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है और ऐसे में बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार नीतीश कुमार को लेकर सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, कौन पीएम कैंडिडेट बनेगा, जिस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने सम्राट चौधरी को पहले तो ये कहा कि हम आप उनको तो नोटिस ही नहीं लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी को तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। दरअसल उनका मतलब था कि बीजेपी की तरफ से जो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसी संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जो हैं वो जेडीयू को देख कर ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी आज कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिचौलिया बन के जाते हैं, दूल्हा कौन है? सम्राट चौधरी जी को तो धन मनाना चाहिए, उमेश कुशवाहा को धन्यवाद देना चाहिए हमको, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे चलते ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हम उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है, इसीलिए उनको बना दिया गया है, तो उनको तो हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे वजह से वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन जो खेला हो रहा है उत्तर प्रदेश का खेला, समझे लोग, सब लोग समझ रहे हैं। नहीं खोलेंगे जब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, जब तक नीतीश कुमार को मिट्टी में ना मिला दे। अरे उनकी क्या है, क्या माने, उनकी क्या बात कर रहे हैं, समझे, जो सभी लोग तो हमारे ही यहाँ से ही ना ट्रेनिंग लेकर गए, हमारी ही पार्टी से, समझे, तो जो यहाँ से जब गए हैं तो लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग नोटिस ले रहे हैं। जो लोग जो जिनकी मर्यादा नहीं है और मर्यादित शब्द बोलते हैं, उनकी बातों को हम लोग क्या कहें। तो सुना आपने उमेश कुशवाहा को, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को मुझे धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में कहा जाता है कि जाति की राजनीति होती है, और ऐसे में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से आते हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, जिसको लेकर ये कहा भी जा रहा है कि बीजेपी कुशवाहा वोटों को साधने के लिए सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाई है। इसको लेकर उमेश कुशवाहा ने भी यही कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी तो यहीं से ट्रेनिंग लेकर गए थे ना, क्योंकि सम्राट चौधरी भी पहले जेडीयू में थे और फिर वो भाजपा में आए हैं, तो इसको लेकर भी उमेश कुशवाहा ने निशाना साधने का काम किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी को तो धन मनाना चाहिए, उमेश कुशवाहा को धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे चलते ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जो सभी लोग तो हमारे ही यहाँ से ही ना ट्रेनिंग लेकर गए, हमारी ही पार्टी से, समझे, तो जो यहाँ से जब गए हैं तो लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग नोटिस ले रहे हैं।